नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राज्य के लिए जारी करेंगे जनसंख्या नीति कानून। गृह मंत्री अमित शाह कहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। महंगाई पर शिवराज के मंत्री का चौंकाने वाला और दंग कर देने वाला दर्शन और दिल्ली एनसीआर पर महंगाई की एक और मार। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। इसके तहत सीएम राज्य में टू चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जनता से इसे लेकर 19 जुलाई तक राय मांगी गयी है। यूपी की नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी राय रखी है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि बच्चे अल्लाह की देन हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। वहीं खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि आबादी रोकने का जरिया कानून नहीं शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि दोनों का मानना है कि इसके जरिए किसी को टारगेट नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान पीएम मंत्रिपरिषद में शामिल नए सदस्यों को उनकी नई जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। मंत्री और उनके मंत्रालय के कामकाज के वितरण को लेकर भी बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद की ये दूसरी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। शाह आज अपने इस दौरे में लाइब्रेरी, नगर निकाय केंद्र, जल वितरण परियोजना, सामुदायिक हॉल सहित अन्य परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। कल गृह मंत्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले मंगल आरती में भी शामिल होंगे। चित्रकूट में चल रही संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक का आज तीसरा दिन है। दूसरे बैठक में कहा गया कि समय के हिसाब से स्वयं सेवकों को हाईटेक होने की जरूरत है, इसीलिए बीजेपी की तर्ज पर आरएसएस का खुद का आईटी सेल होगा। संघ के स्वयं सेवक सोशल मीडिया से जुड़ेंगे और दमदार तरीके से अपनी बात रखेंगे। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को अस्थाना बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर बॉर्डर मैनेजमेंट की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वो फूलबाड़ी बंगला गंधा में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने तेल की बढ़ती कीमतों के बचाव में चौंकाने वाला बयान दिया है। सकलेचा ने कहा कि जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी न आए तो आनंद भी नहीं आता। मंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया था कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, इस पर उनका क्या कहना है। दिल्ली एनसीआर में अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। उधर महाराष्ट्र में बिकने वाले गोकुल दूध ने भी 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी कोल्हापुर, सांगली और कोंकण में लागू नहीं होगी। जॉर्जिया में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की मौजूदगी में तिबलिसी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री ने जॉर्जिया की पवित्र देवी संत क्वीन के तेवान की अस्थियों को वहां की सरकार और जनता को सौंपा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।